गुजरात के जामनगर में एक ऐसा कंपटीशन रखा गया जिसमें हिस्सा लेने वाले हर शख्स का पेट भर गया। लड्डू ही लड्डू, इतने लड्डू की खा खा कर थक जाएं। जामनगर में लड्डू खाने का कंपटीशन हुआ। जो जितने लड्डू खा सकता था उसे उतने परोसे गए। लड्डू बनाने के लिए उसी सामग्री का इस्तेमाल हुआ जो गणेश जी को चढ़ाने वाले मोदक के लिए की जाती है। स्वादिष्ट लड्डुओं को खाने के इस कॉम्पिटिशन में दाल भी साथ में परोसी गई ताकि जायका बदलता रहे। इस प्रतियोगिता में 49 लोगों ने हिस्सा लिया जिसमें पुरुष और महिलाओं के साथ साथ बच्चे भी शामिल थे। अब आप सोच रहे होंगे कि यह कंपटीशन क्यों किया गया और एक एक लड्डू का वजन कितना है। 100 ग्राम का लड्डू था और जो कि दाल के साथ पीसा गया। ये स्पर्धा का मुख्य हेतु ये था कि लोग जंक फूड स्टॉप करें और परंपरागत जो फूड है घी और लड्डू वो चालू करें और बच्चों खास करके जो जंक फूड खा रहे हैं वो इस तरफ आए और अच्छी तरह से लड्डू खाए। इसका ये मेन हेतु था और इस हेतु में हम लोग सफल हुए ऐसा लग रहा है। ये आयोजन पिछले 16 सालों से लगातार किया जा रहा है। गणेश चतुर्थी के मौके पर किए जाने वाले लड्डू खाओ आयोजन में इस बार नानजी भाई ने 1 किलो 200 ग्राम लड्डू खाकर पहला स्थान हासिल किया।